माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। बेंगलुरु की इस पवित्र धरती पर जहाँ शिव स्वरूप हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र और हमारी गुरु माता और माँ कामरू कामाख्या सहित उनका पूरा दिव्य दरबार जहाँ लगा हुआ है, गणगण गाँव सेवक सेवकाओं के साथ, सभी दिव्य शक्तियों के साथ इस दरबार में आप सभी का परिवार सहित बहुत बहुत स्वागत है। सभी स्वागत है। दरबार का जो आविर्भाव हुआ है, जो होना हुआ है, प्रकट होना हुआ है, वो अनायास नहीं है। आज उसकी आवश्यकता है, पूरे विश्व को उसकी आवश्यकता है, पूरी पृथ्वी प्यासी है। साढ़े 700 करोड़ मनुष्य प्यासा है। पूर्ण गुरु उपस्थिति का प्यासा है, पूर्ण गुरु के होने का प्यासा है। आज वो पूर्ण रूप में हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र और हमारी माँ गुरु माता एक साथ उपस्थित हैं। आपको और आपके परिवारों को सुखी और संपन्न जीवन जीने के लिए केवल आप दरबार से जुड़ते हो, भले ही आप कभी दरबार ना आए हो, केवल आपने मोबाइल पर टीवी पर केवल देखा हो, सुना हो, भजन सुने हो, ये हमारे वीडियो देखे हों, दरबार की कार्रवाई होती हुई देखते हों, आप दरबार से तुरंत जुड़ जाते हैं। आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति देखता है वीडियो, अद्भुत है ये शक्ति खुली हुई है दरबार की। एक व्यक्ति कोई दरबार का परिवार का कोई वीडियो देखता है केवल, और पूरा का पूरा परिवार जुड़ जाता है, पूरा परिवार जुड़ जाता है। और फिर वो होता है जिसकी आप कामना करते हो, फिर वो होता है जिसे आप अपनी समस्या को जड़ से मान चुके होते हो कि अब ये तो कभी ठीक नहीं होगा, कभी अच्छे नहीं होंगे, वह भी अच्छा होने लगता है। अभी आपने दरबार नहीं देखा होता है, कभी दरबार नहीं गए होते हैं, लेकिन वह शक्ति दरबार की ओर से खुली हुई है इस पृथ्वी के ऊपर। जो भी लोग इसको देखते हैं वीडियो में, वो बाबा के हो जाते हैं, माँ के हो जाते हैं, दुलारे हो जाते हैं, और आपके कष्ट कम होना शुरू हो जाते हैं अपने आप। बीमारियाँ कटने लगती हैं,
और धुंध छटने लगती है, समस्याओं की धुंध धीरे धीरे छटने लगती है। मैं हमेशा कहता हूं इस धरती पर जो सबसे बड़ी शक्ति है वो प्रत्येक मनुष्य के पास मौजूद है, और वह शक्ति है प्रार्थना की शक्ति, संकल्प की शक्ति। प्रत्येक धर्म में, मजहब में, पंथ में प्रार्थना को सर्वोपरि माना गया है, और एक बार नहीं दिन में कई कई बार प्रार्थना करने के लिए नियम बनाए गए हैं। प्रार्थना से आप स्वस्थ होते हो, अच्छे होते हो, समस्याएं कटती हैं आपकी। आपको लगता है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पता नहीं वो सुनता भी है कि नहीं। हमने तो प्रार्थना कर ली, अब पता नहीं उसने सुना कि नहीं सुना। इस धोखे में कभी भी मत रहना। आप जो भी प्रार्थना करते हो वो सुनता है, और केवल सुनता ही नहीं है, उसका उत्तर भी देता है, जवाब भी देता है आपको। उसके कान नहीं है फिर भी वो सब कुछ सुनता है, उसके नेत्र भी नहीं है लेकिन वो सब कुछ देखता है। जुबान भी नहीं है लेकिन सब कुछ बोलता है, बातें करता है, तो जवाब भी आपको मिलता है। समस्या कहाँ है? आप प्रार्थना करते हो वो सुनता है, वो सुनकर जवाब देता है, लेकिन समस्या कहाँ पर है? कि आप उस जवाब को केवल सुन नहीं पाते। ये शक्ति आप में से बहुत लोगों के पास नहीं होती, तो बीच में क्या होता है? कुछ साधक होते हैं, कुछ योगी होते हैं, कुछ गुरु होते हैं, वो सुन लेते हैं और आपको बता देते हैं भाई ये कहा, अब ऐसा होगा तुम्हारा, परेशान मत हो, अब ऐसा हो जाएगा। आपको चूंकि गुरु पर या साधक पर या बीच के व्यक्ति पर विश्वास होता है तो आप विश्वास कर लेते हो कि ठीक है, अब महाराज जी कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। फिर तो गुरु आपको सुन के बताता है, और जब आप गुरु के निकट जाते हो, आप और ज़्यादा निकट जाते हो, तो गुरु आपको धीरे धीरे इस लायक बना देता है कि आप उसकी बात सीधे सुन सकें। आप सीधे, और ये पूर्ण गुरु क्षण भर में कर सकता है, इसके लिए कोई समय की बाध्यता नहीं है। तो आप प्रार्थना करते हो, सुनता है, सुनता है, जवाब भी देता है। जितने भी रोग और कष्ट हैं, या स्वास्थ्य है, या संपन्नता विपन्नता कुछ भी है, सब आपकी स्मृतियों के आधार पर है। स्मृति के आधार पर हमारी 84 लाख योनियों की जो यात्रा है तय होती है, इन्हीं स्मृतियों के आधार पर जन्म होता है हम सबका, और इन्हीं स्मृतियों के आधार पर मृत्यु भी होती है। ये हमारी कर्म स्मृतियां हैं जिनके आधार पर हम जीने मरने के लिए बाध्य हैं।
गुरु एक कृपा कर सकता है पूर्ण गुरु कि आपकी वो कर्म स्मृतियां काट के नष्ट करके आपको उस कर्म बंधन से सीधे सीधे मुक्त कर सकता है, वो कष्ट आपके शरीर में नहीं आने देता। वो रोग वो भोग सब कट जाते हैं, अन्यथा उसी रोग भोग में काटते 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 हरियर हो जाते हैं। गुरु पूर्ण है, देवी देवता भी उसके आगे नतमस्तक रहते हैं जो गुरु पूर्ण है, क्योंकि देवी देवता भी अभी पूर्ण होने के लिए प्यासे हैं, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इस आस में कर रहे हैं कि फिर से हमारा मनुष्य योनि में जन्म होगा और फिर से हम किसी प्रकार से इस 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होंगे और हम भी इस पूर्ण गुरु की तरह पूर्ण होंगे, क्योंकि पूर्ण गुरु हमारा जो है प्रमाण है कि वह पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। तो देवता भी प्रयासरत रहते हैं अच्छे अच्छे काम करके कि हम भी पूर्णता को प्राप्त हों। तो देवता गुरु से आगे नहीं, गुरु की शरण में रहते हैं पूर्ण होने के लिए। छह प्रकार के मनुष्य बताए गए, ये छह प्रकार के जो मनुष्य हैं ये आपको रोज भेंट करते हैं। पांच प्रकार तो मिल ही जाते हैं आपको, छठा बाबा के साथ जुड़ते हैं तो वो भी मिल गए, अब आपको मिल गए, लेकिन पांच प्रकार के लोग आपको मिल जाते हैं। पांच प्रकार के लोग कौन? सबसे पहले पशु मानो, पशु पशु की तरह जीने वाला मनुष्य दिख जाते होंगे आपको सड़क पर। फिर राक्षस मानो, दूसरे का छीन के खाने वाले, दूसरों का हड़प लेने वाले, ये भी दिख जाते होंगे। फिर उसके बाद मानव, तो मानव का काम क्या है कि सबके साथ सुखपूर्वक जीना, कष्ट देना नहीं, कष्टों को भले ले लेना लेकिन कष्ट देना नहीं, ये मानव का धर्म है, मानव धर्म बोला गया ना। मनुष्य भी ऊपर उड़ जाते हैं मनुष्य से भी, मनुष्यता से भी, तो देवता कहलाते हैं तो देव मानव कहलाते हैं। तो जो हमने छह प्रकार के मानव बताए, विशेष रूप से पांच ही प्रकार के मानव हैं, छठा तो दिखता नहीं है लेकिन वो मनुष्यों में बचता ही नहीं है। तो पांच मुख्य रूप से आप समझ लीजिए कि पशु मानो, राक्षस मानो, मानो और फिर देव मानो। इसके बाद देवता का काम क्या है, जो देव पुरुष है अच्छे अच्छे काम करना, लोगों की मदद करना, खिलाते हैं, वस्त्रहीन है तो वस्त्र देते हैं आप, दया दिखाते हैं आप, विद्या नहीं विद्या उसको प्रदान करते हैं तो कृपा होती हो, पांचवा मानव जो है दिव्य मानव कहलाता है, जो सबसे परे हो जाता है, मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी उपकार विधि से
सबके साथ जुड़ा रहता है। उपकार विधि का मतलब तीन प्रकार की जो ऐशनाएँ हैं, पुत्रेशना, वित्तेशना और लोकेशना। पुत्र की चाहत रखने वाले, वित्त अर्थात धन की चाहत रखने वाले, लोकेशना अर्थात यश की चाहना रखने वाले देवता कहलाते हैं। राजसी योग में ठहरे हुए व्यक्ति को देवता कहा जाता है। पुत्र की भी चाहत हो, धन की भी चाहत हो और यश भी मिले तो देवता कहे जाते हैं। इन तीनों से परे हो जाए वो दिव्य मानव कहलाता है। कुछ भी नहीं चाहिए, तीनों नहीं चाहिए, ना यश चाहिए, ना धन चाहिए, ना ही कोई पुत्र। सब पुत्र ही पुत्र हैं, जितने जुड़ गए पूरे संघ में, संप्रदाय में, साथ में, भजन पूजा में, सब परिवार है, क्या चाहना। एक यात्रा है पशु मानव से लेकर के और दिव्य मानव तक की, पूर्ण होने की यात्रा है। दिव्य मानव को क्रॉस कर लिया, पार कर लिया, छठे में चले गए और आप फिर ईश्वर कहलाते हैं। ईश्वर का अर्थ है जितना भी ऐश्वर्य आपको दिखता है चारों ओर, जो आंखों से दिखाई दे, जिसमें समाया हुआ है वो ईश्वर है। और जिसमें सारा ऐश्वर्य समाया हुआ है वो ईश्वर है, और ईश्वर का ही सारा ऐश्वर्य है जितना दिखता है। यहाँ पे विभाजन होता है, यहाँ भी दो तरह की चीज़ें हो जाती हैं, एक विजिबल, दूसरी नॉन विजिबल। जो इन दो आँखों से दिखाई देती है वो वस्तु, और जो इन आँखों से नहीं दिखाई देती दोनों आँखों से वह है वस्तु, दो वस्तु है। लेकिन जो दिख रहा है, हम आप सब चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मकान खड़ा हुआ है, लोहे के सीमेंट, मोरंग, गिट्टी, तमाम चीज़ों से मिल करके, कंक्रीट से ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। हमें इसके बारे में विश्वास है कि अरे ये तो कंक्रीट से बना हुआ है, ये नहीं गिरेगा, तो इस इत्मीनान से बैठे हैं। अभी पता लगे भाई ये तो गिर सकता है, तो इधर तो कोई नहीं दिखेगा, एक विश्वास है। ये जो विश्वास है ये कहाँ रहता है, जो दिखता नहीं, ये तो होता है, दिखता नहीं, एहसास कर सकते हैं आप इसको, महसूस कर सकते हैं इसको आप। तो जो दो तरह की वस्तुएं हैं, दिखाई देने वाली और ना दिखाई देने वाली, जितनी दिखने वाली वस्तुएं हैं बनती और बिगड़ती रहती हैं। अभी पैदा हुए, बड़े हुए, बूढ़े हुए, मर गए, खत्म। अब एक वस्तु बनी, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100, 200, 500 साल, 1000 साल, जर्जर होते होते ख़त्म हो जाती, फिर से मिट्टी मिल जाती, फिर से नया सृजन होता है। तो विध्वंस और जो सृजन हो रहा है दोनों आप देख रहे हो। ये जिसकी वजह से हो रहा है उसे ही ईश्वर कहा गया। जो नहीं दिख रहा है उसकी वजह से जो हो रहा है विध्वंस और सृजन, अगर वो नहीं हो तो विध्वंस और सृजन दोनों रुक जाएगा। यहां से चंद्रयान 3 धरती से चंद्रमा के साउथ पोल पे स्थापित कर दिया गया। कल्पना करो बीच में ये स्पेस नहीं होता तो चंद्रयान वहाँ जा पाता, नहीं जा पाता। ये जो बीच में स्पेस है
धरती और चंद्रमा के बीच में, या चंद्रमा के चारों ओर, या धरती के चारों ओर, या सूरज के चारों ओर, या हमारे आपके चारों ओर, या हमारे अंग प्रत्यंग शरीर के उनके चारों ओर जो स्पेस है, हम लोग उंगलियाँ ऐसे कर पाते हैं ना, तो इनके बीच में स्पेस है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे से कर पाते हैं। स्पेस ना हो तो ऐसे ही खड़ी रहेंगी, कुछ नहीं कर सकते। तो उसके कारण सारी क्रियाएं जो चल रही हैं, सारी क्रियाएं हो रही हैं, सृजन भी हो रहा है, विध्वंस भी हो रहा है, पुराना मिट रहा है, नया बन रहा है, जो बन गया है धीरे धीरे जर्जर हो रहा है, नष्ट हो रहा है, फिर से नया बन रहा है, ये इसी स्पेस के कारण हो रहा है, जिसे हम शून्य कह लेते हैं। लेकिन इसका शून्य का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्रिया शून्य है, क्रिया शून्यता है, लेकिन इसके होने से ही सब कुछ है जो दिखता है। ये ना हो तो जो चीज़ दिखती वो नहीं होगी, ये ना हो तो आप आग भी नहीं जला सकते अगर स्पेस ना हो। पांच प्रकार के एलिमेंट्स आप जानते ही हैं, पांच प्रकार के तत्व हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, शॉर्ट में कह दिया भगवान, भगवान कह दिया, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा में बढ़िया की मात्रा लगी है, आ आ से अग्नि, और ना से नीर, पांचों तत्व हो गए, भगवान कह दिया गया मिला करके। इन पांचों तत्वों के प्रति हमारा जो आभार है, हमारा जो विश्वास है, भगवान कह के हम उसको सम्मान देते हैं। तो दो चीज़ें हो गई, जो दिख रही हैं और जो नहीं दिख रही, हमारे आपके बीच में स्पेस है। अभी स्पेस नहीं होता, पंखे काम ही नहीं करते आपके, हिलता भी नहीं पंखा आपका। तो क्रिया इसीलिए कर पा रहा है कि ईश्वर मौजूद है इस रूप में, जिसे हम देख नहीं रहे। हम आपको देख भी नहीं पाते, आप हमें नहीं देख पाते अगर स्पेस नहीं होता, सब एक दूसरे में चिपक गए होते तो कोई किसी को नहीं देख पाता। तो ये जो दिखता है उसे माया कह दिया गया, जो नहीं दिखता उसे ब्रह्म कह दिया गया। तो ब्रह्म के बिना माया का अस्तित्व नहीं है। यहाँ और भी बड़ी बात है कि अगर माया ना हो तो ब्रह्म अपने आप को प्रकट भी नहीं कर सकता, प्रमाणित भी नहीं कर सकता कि हम हैं। अभी जीवन अपने को जब शरीर मिलता तब प्रमाणित कर पाता, नहीं तो लाश पड़ी है। तो जीवन कब प्रमाणित करता है अपने आप को? जब उसे कोई शरीर मिलता है, कोई भी शरीर मिले। तो जीवन को प्रमाणित करने के लिए अपने आप को शरीर को धारण करना पड़ता है, तब जीवन अपने आप को प्रमाणित कर पाता, कहता है कि मैं हूं। और शरीर नहीं मिले तो जीवन का कोई अर्थ नहीं, अपने को प्रमाणित ही नहीं कर पाएगा कि मैं हूं। इसीलिए तमाम आपने देखे होंगे कि दूसरी एनर्जी जब किसी की बॉडी में कब्जा जमाती है तो वो यही कहती मैं हूँ। उसके पहले तो स्पेस में पड़ा होता है, वो उसे पता ही नहीं होता मैं हूँ भी कि नहीं हूँ। तो अपने को वो प्रकट करता, प्रमाणित करता कि मैं हूँ भाई। तो जो मैं हूँ ही प्रमाणित करने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। अभी हम भटकाव हमारे जो जीवन में है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं को मान तो लेते हैं लेकिन जानते नहीं। यही हमारे बिखराव का, हमारी समस्याओं का कारण है। मान लेते मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया,
एक एक श्वास जो आपकी आ जा रही है शरीर से, अंदर बाहर बाहर अंदर, एक एक श्वास का हिसाब है आपके कर्मों के आधार पर। तो जब माया और ब्रह्म के अंश एक जगह मिलते हैं तो शरीर धारण करते हैं, और जो मनुष्य योनि है जिसको हम लोग ये मान के बैठे हैं कि सबसे अच्छी योनि है, हे भगवान मुझे मनुष्य बनाना, दोबारा मर जाए तो दोबारा फिर से मनुष्य बनाना, ऐसा हर योनि का जीव ऐसा मान के बैठा है कि जिस योनि में जिंदा है वो चल रहा है वही योनि सबसे सर्वश्रेष्ठ है। पूछ के देखो, उसकी भाषा आती हो तो पूछ लो। मच्छर भी आए पास में मारने की कोशिश करो, देखो कैसे भागता है। अगर मच्छर की योनि निकृष्ट होती तो भागता का है, कहता भैया मार लो, अगला जन्म मिल जाए हमारा अच्छा। वो भी माने बैठा है कि सर्वश्रेष्ठ हूँ मैं मानो से। गली कुत्ते को मारने के लिए देखो कैसे भागता है, माने हुए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए जाओ भागेगा जान बचा के, अरे इतना अच्छा शरीर मिला है मारे दे रहा है। हो सकता है वो सोचता हो बेवकूफ़ है, हमको तो अच्छा जीवन मिला हुआ है, इसको बेचारे ये बड़े कष्ट में है। सवेरे घर से निकलता है, दिन भर कोल्हू के बैल की तरह दिन भर घूमता है पूरे बेचारे शहर में, रात को पसीना पोंछता हुआ घर आता है, बड़ा बेचारा कष्ट में। वो तो कहता हम तो पेड़ पे चढ़ लेते हैं, एक आम खाते हैं तोड़ के पेट भर जाता है। बंदर बोलता है हम तो सबसे अच्छे आदमी से अच्छे, फल फ्रूट तोड़े खाए मजे किए, कहीं नौकरी व्यापार कर लेने का नो टेंशन। कहता ये तो बेवकूफ है आदमी, हमारी योनि सर्वश्रेष्ठ है। हम माने बैठे हैं कि मानो योनि सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वाकई में ये मनुष्य योनि सबसे निकृष्ट योनि है। सबसे निकृष्ट, निकृष्ट नहीं होती तो 84 लाख योनियों के बंधन से छूटने के लिए हम छटपटा नहीं रहे होते। ये सबसे निकृष्ट है, इसीलिए बहुत छटपटाते हैं, निकलो निकलो निकलो। आपने कभी भैंस को ध्यान साधना करते देखा? नहीं देखा। कुत्ता बिल्ली को साधना आधना करते देखा हो तो बताओ। सबसे ज़्यादा छटपटाहट इसी आदमी को होगी, कैसे निकलो इससे। एक मानने में केवल ये मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, जिसके लिए देवता भी बार बार मनुष्य का योनि मनुष्य योनि में आने के लिए व्याकुल रहते हैं। एक मायने में केवल एक ही चीज़ ऐसी है, हर चीज़ में गुण दोष दोनों हैं। बहुत गुण होते हैं तो दोष होता है, कहीं बहुत दोष होते हैं तो कोई कहीं गुण भी होता है। तो एक ही दोष, सर्व दोष होने के बाद एक गुण ऐसा है इस मनुष्य योनि में कि इस मनुष्य योनि के माध्यम से वाकई में आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। बाकी इस सृष्टि में ऐसी कोई योनि नहीं है जिससे आप इन 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो सके। इसलिए देवता भी चाहते हैं कि हमें पुणे से मनुष्य योनि मिले और हम पूर्ण हो सकें, क्योंकि तो देव मानव है भी, देवी मानव होना बाकी है। तो हमें इस बात को हमेशा समझना है कि हम एक नहीं हैं, हम दो हैं। ये हमारा शरीर भी है और शरीर के अंदर बैठा हुआ जीवन जो बोल रहा है, आपके अंदर बैठा हुआ जीवन सुन रहा है, श्रवण कर रहा है बातों को, अंदर कैलकुलेशन कर रहा है कि बात ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, अंदर कैलकुलेशन भी चल रहा है। अंदर हाँ नहीं क्या टिक चल रहा है, ये सही कह रहे हैं कट्टम नहीं काटने की बात ठीक नहीं है, अंदर चल रहा है। कितनी बढ़िया मशीन चल रही है, धड़ाधड़ चल रही है, जैसे हम बोल रहे हैं उधर मशीन काम कर रही है अपना,
कापी जांच रही है सही गलत सही गलत। जिस दिन हम ये देख लेते हैं कि हम दो हैं, हमारा शरीर और हमारा जीवन हम दो हैं, दिख जाता है जिस दिन, उस दिन क्रांति होती है आपके जीवन में, उसी दिन क्रांति होती है, नहीं तो अशांति बनी रहती है। फिर वो दिखता है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, फिर वो भी दिखने लगती जिसे माया कहते हैं। मात्र जान लेने से दोनों अलग अलग दिखाई देने लगते हैं कि हम शरीर भी हैं और जीवन भी हैं, हम दोनों हैं। कभी सोच के देखो, पूरी पृथ्वी को शामिल करते हैं अपनी बात में, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती में रहने वाला प्रत्येक मानव सभी कुछ एक कुटुंब है। तो अगर फिर प्रश्न करो केवल अपने आप से कि हम सुखी रहना चाहते हैं कि दुखी रहना चाहते हैं, देख लीजिए यूनिवर्सल क्वेश्चन है और इसका आपके पास यूनिवर्सल आंसर भी है। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है जो दुखी रहना चाहता है? नहीं, पूरी दुनिया में कोई दुखी नहीं रहना चाहता। इसका अर्थ यही हुआ कि हम सब सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन इसी पर एक प्रश्न बनता है कि क्या हम सब वाकई में सुखी हैं? तो उत्तर आता है कि नहीं, ये यूनिवर्सल आंसर है। तो कहाँ चूक जाते हैं? कहीं तो चूक होती है। चूक तभी होती है हम अपने को माने बैठे रहते हैं सर्वश्रेष्ठ, अपने को शरीर मान के जीते हैं तो जानवरों की तरह जीते हैं, और जब अपने को जीवन मान के जीते हैं तो मनुष्य की तरह जीने की कोशिश करते हैं। इस पृथ्वी पे स्मृति का विज्ञान कोई नया नहीं है, हर युग में रहा है स्मृति का विज्ञान, लेकिन दो तरह से रहा है। स्मृतियां थीं, आज भी हैं। स्मृतियों को तब घुमा सकते थे, तोड़ सकते थे, मरोड़ सकते थे, नष्ट कर सकते थे, नई बना सकते थे। श्री कृष्ण तक ये सब हुआ, द्वापर तक ये सब कुछ हुआ, जैसा चाहते थे माया रच देते थे, जैसा चाहते थे स्मृति डाल देते थे सामने वाले में, वैसे ही होने लगता था। त्रेता में भी थी, भगवान राम वन गमन हुए, जब वन की ओर गए, वन में गए, जब खरदूषण से युद्ध हुआ, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि राम लक्ष्मण ने खरदूषण के जो 10,000 सैनिक थे एक को भी नहीं मारा। तो क्या हुआ, वो सब आपस में लड़के मर गए। आपस में कैसे लड़े? राम के पास उनके गुरु वशिष्ठ मुनि की और विश्वामित्र जी की दी हुई विद्या थी, उन्होंने उस विद्या का प्रहार किया। तो खरदूषण के जितने भी सैनिक थे वो एक दूसरे को जब देखते तो उन्हें राम दिखाई देते थे। जब सब देखें सब में राम दिखाई दे, जो सामने आ जाए उसमें राम मारो, उसको उसमें राम दिखाई दे के मारो, तो आपस में ही लड़ मर के सब मर गए।
खर दूसरों को राम लक्ष्मण ने मार दिया, ऐसा स्मृति का खेल था। ये दरबार में हम भी बहुत करते थे, जहाँ दरबार के लोग बैठे हुए हैं बहुत लोग पुराने लोग, ये तो हम दरबार में अक्सर किया करते थे। किसी एक की स्मृति हम तीन चार में डाल देते थे, वो जो तीन चार पाँच दस होते थे वो सोचते थे मैं वही हूँ और मैं तो वही हूँ। अब जो असली होते थे वो तो गायब हो जाता था। जो हम स्मृति डाल देते थे कि तुम लीलाधर हो, तो दस के दसों समझते थे हम लीलाधर हैं। तो जो असली वाला लीलाधर होता था, जो अपने कमरे में सोने जाता था, तो दस लीलाधर पहले वहाँ बैठे रहते थे कि तुम कैसे आए, तुम यहाँ कहाँ। वो कहता था मेरा कमरा है। वो कहते पागल हो, तो हमारा कमरा है। और चश्मा उस्मा मोबाइल वोबाइल भी छीन लेते थे लीलाधर असली वाले का। इधर लाओ ये मेरा चश्मा कहाँ लिए घूम रहे हो तुम, मेरा मोबाइल कहाँ लियो, इधर रखो। कपड़े पहन लिए मेरे, कपड़े उतार के रखो। तो स्मृतियाँ ऐसे काम करती, जैसे श्री कृष्ण करते थे तमाम गोपिकाओं सब में डाल दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सबके साथ हूँ। और 16,000 गोपिकाएं सब समझ रही कि कृष्ण हमारे ही साथ में है, बताना मत किसी को कि तुम्हारे पास हम आए थे। लेकिन वो जान रहे कि मेरे पास आए थे और गए कहीं नहीं। रासलीला सबके साथ हुई लेकिन गए किसी के पास नहीं। स्मृति डाल दें, अद्भुत। तो ये सब होता रहा है युगों में, लेकिन कलयुग में पहली बार ये करौली शंकर महादेव के धाम में ये रहस्य खुला। आप तमाम वीडियो देखो, हजारों वीडियो पढ़ें। स्मृतियां जीने नहीं दे रही हैं, जीने नहीं देती। कैसे कैसे खेल खिलाती स्मृति, कैसे कैसे खराब खराब गंदे गंदे। आप गंद हटा दो स्मृति नष्ट, उसकी जगह सही स्मृति, आदमी अच्छा सोचता है। अभी आपको हम यहाँ करके दिखाएंगे, जो लोग नए लोग बैठे हैं ना उसका अनुभव भी करेंगे, सारे अनुभव करेंगे। पुरानों को तो अनुभव है, नए लोग भी होगा कि स्मृति कैसे काम करती है। तो स्मृति अगर नकारात्मक है तो आप नकारात्मक हो जाते हो, और स्मृति अगर आप में सकारात्मक हो जाए तो आप सकारात्मक हो जाते हो। यही दो रोग हैं संसार में, इसी में झगड़ा है, सकारात्मक और नकारात्मक, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिविटी पॉजिटिविटी, यही दो झगड़े हैं, तीसरा कोई झगड़ा नहीं। झगड़े दो में हाँ या ना, तीसरा कोई झगड़ा नहीं। दो ही है ना अक्षर, हाँ ना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं संसार। बाकी तो कहानी है, बाकी तो स्टोरी है, झगड़ा इतने में ही हाँ में ना में। तो स्मृतियाँ हमारी अगर अच्छी हों, हमारे महापुरुषों ने बहुत प्रयास किए, पता है आपको क्या क्या प्रयास किए, किस लिए प्रयास किए कि हम सकारात्मक बने रहे। सबसे पहले 16 संस्कार बनाए हमारे ऋषि मुनियों ने, और इन 16 के 16 संस्कारों का एकमात्र उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि कैसे हमें अपनी पितरों की स्मृतियों से मुक्ति पाना है, वो नहीं आने पाए। 16वां संस्कार जो होता है, अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं आखिरी वाला, वो चिता पर होता है। वहाँ पर भी वो क्रिया की जाती है कि ये जो देख रहा है, जो मर गया है लेकिन देख रहा है कि मेरे साथ क्या हरकत हो रही है, मोह टूटे किसी तरह से, मोह टूटे
तो स्मृतियाँ न रहने पाएंगी, पितृ अपनी स्मृतियों के साथ विदा हो जाएगा, लेकिन पितृ है तो उसकी स्मृतियाँ रहेंगी। कभी कभी पितृ चले भी गए तो स्मृतियाँ छोड़ जाते हैं। तो पितृ मुक्ति जो है हम कराने में कंजूसी करते हैं, उधर हमारा ध्यान ही नहीं है, सारा ध्यान मस्ती में है। सोचो एक ना एक दिन सबको मरना है, लेकिन मरने के बाद अगर फंसे रह जाओ जीवन चक्र में, आगे ना जाने पाओ तो कैसा लगे? फिर आप डंडा करोगे, किसी की उंगली करोगे, किसी के स्विच भोगे, वो होगा। वो इसलिए होगा कि पितृ चाहते हैं कष्ट दे करके, अब जानो कि हम हैं, ये कष्ट दिया, अब जानो कि हम हैं, जाओ ज्योतिषी जी के पास। तब ज्योतिषी जी बताएंगे, भैया आपको पितृ दोष है। अच्छा पितृ दोष है, तो चलो भैया पितृ दोष दूर करते। अब अद्भुत बात यह है कि पितृ दोष भी नहीं दूर हो रहा है, पितृ भी नहीं जा रहे हैं, वो भी ढीठ हो गए। खैर हम तो नहीं जाएंगे भाई, हमें मज़ा आ रहा है यहाँ बहुत, मरने के बाद ही मज़ा आ रहा है। मरने के बाद भी हम तुम्हारे शरीरों में जिंदा हैं, हमें पूरा आनंद है। नहीं जाने के क्या कर लोगे, अब आपको दिखते हो तो कुछ कर भी लो। अच्छा दिख भी जाए तो कैसे भगाओगे, जुगाड़ नहीं भगाने का, शरीर आ रही हो तो ढकेल दो आप कहीं, ये चले जाओ भाई, जीवन को क्या करोगे। तो स्मृतियाँ अगर ठीक हों तो आप स्वस्थ बने रह सकते हैं, स्मृतियाँ गड़बड़ हों तो स्वस्थ रहने का कोई उपाय नहीं है आपके पास।